अस्सलाम वालेकुम, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली पोको F1 में 9.3.1 वीकली अपडेट आ चुका है, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें नया नया मिल जाता है। अगर हम पहली चीज़ की बात करते हैं तो इसमें पहली चीज़ जो है वो है इसके सिक्योरिटी पैच को लेकर। और अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में और अपडेट सेटिंग्स में चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी जो पैच है वो है अभी 1 फरवरी 2019 का। इससे पहले 1 जनवरी 2019 का था और अभी यहाँ पर हुआ है 1 फरवरी 2019 का, और ये एक काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो है इम्प्रूवमेंट हुआ है कैमरा में। और यहाँ पर देखिए, मैंने कैमरा पे ओपन किया और अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सेटिंग में चलते हैं। और सेटिंग में चलने के बाद जो कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो अभी यहाँ पर हुआ है 4K 60 FPS, कुछ इस तरह से देखिए 4K 60 FPS में आ चुका है। और इससे पहले ये भी नहीं था और ये भी एक नया अपडेट है। FPS में मैंने थोड़े वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर किया है और उसकी क्वालिटी आपको बताता हूँ, कुछ इस तरह से देखिए। और इसमें यस नहीं है अभी भी, कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पर काम वगैरह चला है तो काफ़ी यहाँ पर जो लाउडनेस है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहता हूँ आपके पास। और कुछ इस तरह से देखिए, जो स्टेबिलिटी है वहाँ पर क्या बोलते हैं, EIS अभी भी यहाँ पर 4K में नहीं है, कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर ऐप में भी फेस अनलॉक आ चुका है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, पूरे ऐप मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर मैंने ये मेरा व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप को मैंने यहाँ पर लॉक किया हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको फेस का एक लोगो आ रहा है, हम फेस से भी क्या है अपने ऐप को अनलॉक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से देखिए। अभी यहाँ पर मैंने टैप किया और यहाँ पर अभी देखिए कुछ इस तरह से देखिए, और एक बार आपको बताता हूँ। और ये रहा मेरा YouTube, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर वेरीफाइंग फेस डेटा बोल के आ रहा है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर फेस को दिखाया तो वैसे ही ये अनलॉक हो गया। और यहाँ पर देखिए, मैंने अमेजोन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी भी देखिए वेरीफाई डेटा। और जैसे मेरा चेहरा दिखाता हूँ मैं, कुछ इस तरह से देखिए अनलॉक हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर ऐप पे भी आप फेस अनलॉक से आपका ऐप जो है, वो जो भी आप ऐप पे लॉक रखें वो फेस से गया है, फेस डेटा से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो है इसमें जो मेजर अपडेट हम बोल सकते हैं, हालांकि इस अभी तक इस फ़ोन में वाइड वाइन 11 का सपोर्ट नहीं था और इस अपडेट से आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ आपको DRM इन्फो में, और जैसे मैंने ये ओपन किया यहाँ पर देखिए वाइड वाइन जो सिक्योरिटी लेवल है L1 का आ चुका है, कुछ इस तरह से देखिए। और इस तरह से अभी आप Amazon Prime या Hotstar में आप क्या है Full HD तक आप वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ 480 में देख सकते थे, और अभी इस अपडेट से क्या है आप Full HD तक वीडियो देख सकते हो। अगर नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं तो वो है एक मी पे को लेकर। और यहाँ पर देखिए, जो मी पे का जो ऐप यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इस बार शाओमी ने, और इससे पहले नहीं था। जो लास्ट अपडेट में ये आया है मी पे ऐप, और पहले यही जो मी पे है ये पहले सेटिंग्स में मिलता था आपको, और अभी यहाँ पर एक ऐप देखने को मिल जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है इसकी जो डिस्प्ले के टच सेंसिटिव के लेकर। और जो टच सेंसिटिव है इस बार काफ़ी यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है डिस्प्ले पे। इससे पहले जो टेस्ट रिस्पांस में से उतना ज़्यादा खास नहीं था, और इस अपडेट में काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया है। और साथ ही साथ और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस महीने के जो सेकंड या थर्ड वीक में आपको एक स्टेबल अपडेट मिलने वाला है पोको F1 के लिए। तो बस इसी के साथ अब तक वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।